आप सभी को मेरा प्रणाम है। क्या बताऊँ मैं स्वामी विवेकानंद, आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी की ऊंचाइयों के बारे में। उनकी ऊंचाई इतनी है कि आप नापते नापते थक जाएंगे, लेकिन उनकी ऊंचाई जो है अनंत है। आज मेरा नाम पूनम शर्मा है। मैं आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी के संदेश के साथ उपस्थित हूँ। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। मन की एकाग्रता में ही सारा ज्ञान छिपा है। मन की शक्ति सूरज की किरणों की तरह होती है, जब एक ही जगह केंद्रित होती है तो चमक उठती है। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्सों को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का एकमात्र तरीका है। एक समय में केवल एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उस काम में डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। लगातार पवित्र विचार रखो, लगातार पवित्र विचार रखना चाहिए। ऐसा करने से बुरी सोच, बुरी प्रकृति दब जाती है। जिस व्यक्ति के पास श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी अकेला नहीं होता। हमारे देश में नायकों की जरूरत है। नायक बनो, तुम अपना कर्तव्य करते जाओ, तुम्हारे अनुयायी खुद बढ़ जाएंगे। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। पहली बार में बड़ी योजनाओं को मत बनाओ, लेकिन धीरे धीरे शुरू करो। अपने पैर जमीन पर रखकर आगे और आगे की तरफ बढ़ते रहो। जब तक आप अपने काम में व्यस्त हैं तब तक काम आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कोई भी काम आसान नहीं होता। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। निरंतर सीखते रहना ही जीवन है और रुक जाना ही मृत्यु है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। आप अगर अच्छा सोचते हैं तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है, अगर आप बुरा सोचते हैं तो आप सबके लिए बुरा है। लेकिन इस दुनिया को हम लोग किस माध्यम से देखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि अगर वो बुरी है तो बुरी है। आप सोच सकते अच्छा है तो बेकार चीज भी अच्छी लगने लगेगी। कभी ना मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद।